अगली खबर सोनभद्र से, जहां समाज पर कुप्रभाव अश्लील वीडियो पोर्न साइट के कारण बढ़ रही है। जी हां, इन्हें 100% बैन करने की जरूरत है। उक्त बातें हिंदू समाज के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शुक्ला ने प्रेस वार्ता के दौरान मयूरपुर डाक बंगले पर कही। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज पार्टी सिर्फ हिंदू हित की बात करती है। हिंदू समाज पार्टी का मकसद किसी धर्म समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। उन्होंने बताया कि कमलेश तिवारी हिंदू समाज की बात हमेशा किया करते थे। वे हिंदू समाज पार्टी का विस्तार करना उन्होंने शुरू ही किया था कि उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि हिंदुत्व के मुद्दे को अब स्वर्गीय कमलेश तिवारी की पत्नी किरण तिवारी पार्टी का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुस्लिम लड़के द्वारा उनकी हत्या की गई और सबूत के तौर पर बकायदा मिठाई का डिब्बा व पर्ची छोड़ी गई है, इससे साफ तौर पर साबित होता है कि उन्होंने खुद को अपने आप को पकड़वाने की सारी जानकारी पहले से ही छोड़ रखी थी। इस दौरान हिंदू समाज के प्रदेश प्रवक्ता ने दो मांगों पर आवाज बुलंद करने की बात कही। पहला तो ये कि अश्लील वीडियो साइट एकदम से सरकार को बंद कर देनी चाहिए, और दूसरा ये कि प्राइवेट स्कूल सुविधा देने के नाम पर हर वर्ष फीस के रूप में माता पिता पर अतिभार बढ़ा रहे हैं, और यह अतिभार एकदम से बंद हो, जिससे प्राइवेट स्कूलों में गरीब व अमीर दोनों तबके के लोगों को अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। उन्होंने बताया कि हिंदू समाज पार्टी इन दोनों मुद्दों को गंभीरता से सरकार के सामने रखेगी, तथा जब तक ये दोनों मुद्दों को सरकार नहीं मानेगी, हिंदू समाज पार्टी का संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। कि जो हिंदू समाज पार्टी है, समाज के लिए क्या क्या किस किस मुद्दे पे भी काम कर रही है? नमस्कार, मैं संदीप शुक्ला, प्रदेश प्रवक्ता हिंदू समाज पार्टी। हम समाज के सामाजिक मुद्दों पे काम कर रहे हैं, जिसमें पॉर्न साइट्स को 100% बैन किया जाए। वो हमारे संस्कृति की जड़ में विष का काम कर रहे हैं। दूसरी मांग है, स्कूलों में जो सरकारी फीस सरकार तय करती है, प्राइवेट स्कूलों में भी तय करे और सारे लोग आसानी से इस सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। अभी तक आपकी पार्टी एक संगठन के रूप में काम कर रही थी, क्या ये राजनीतिक पार्टी में भी भविष्य में आएगी क्या? हम जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पे स्वर्गीय माननीय कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई है, और इसमें पुलिस की कमी है, जिन्होंने प्रोटेक्शन ठीक से नहीं दिया। आज भी उनके परिवार को वाई श्रेणी की सुरक्षा की मांग है, नहीं दी जा रही। प्रवक्ता लोगों को कोई, किसी पद के किसी वरिष्ठ अधिकारी को कोई सुरक्षा नहीं मिल पा रही। सरकार इसके लिए DGP जिम्मेदार है, और सुरक्षा अगर किसी की अब हत्या होती है तो गैर इरादतन हत्या का केस लगे, DGP जी साहब इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हों और जिम्मेदारी लें। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।